2023 में टॉपर बनने के लिए मैं आपको बस दो तरीका बता रहा हूँ। यदि आप दो तरीका ये 3 से 4 महीने या 5 महीने अप्लाई कर लीजिए, आपको बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि आप 450 प्लस नंबर लाएंगे, मतलब आप टॉपर बन सकते हैं बस दो तरीका अप्लाई करके। बाबू समझो कौन कौन से तरीका है, बड़ी गहन थिंकिंग के बाद मैं ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बस इस पर फोकस करिए और एक एक बातों को ध्यान से समझिए। बस दो तरीका मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास आप शेयर करिएगा। देखो सबसे पहली बात, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। तो अपनी राइटिंग को जितना हो सके जितना जल्दी हो सके सुंदर कर लो, क्योंकि पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं होगा। जब आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं होगा तो भैया वो आपको नंबर नहीं देगा। तो एग्जामिनर को यदि आप इंप्रेस करना चाहते हैं, उसको अपने चंगुल में फंसा लेना चाहते हैं, फंसाने का मतलब समझे ना, जब कोई लड़का क्या होता है किसी लड़की को पसंद करता है तो एकदम दिखेगा हेयर स्टाइल में चलता है, केस पर एकदम बाल मार मार के क्रीम मार मार के सेंट मार के चलता है ताकि मैं उसको फंसा सकूं। वैसे ही आपको यहां पर काम करना भैया, एग्जामिनर को फंसाना है मतलब इंप्रेस करना है, तो आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी राइटिंग होती है, तो राइटिंग पर फोकस करना शुरू करो। राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए पहली बात है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अपना पैटर्न के अनुसार तैयारी करो। पैटर्न का मतलब क्या है कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न करता है, ऑब्जेक्टिव करता है, दो नंबरिया करता है, पांच नंबरिया करता है, तीन नंबरिया करता है या कोई और प्रश्न करता है, तो आपको पहले यह पता होनी चाहिए किस टाइप से प्रश्न कर रहा है, ऑब्जेक्टिव दो नंबरिया तीन नंबरिया पांच नंबरिया प्रश्न कर रहा है, उसके अनुसार आपको एक घंटा टाइम देना होगा। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रही है, अगर आपके एग्जाम में दो नंबरिया प्रश्न कर रहा है, अगर आपके एग्जाम में पांच नंबरिया प्रश्न कर रहा है, तो इन सभी कैटेगरीज पर आपको एक घंटा टाइम देने की आवश्यकता है। और उन सारे कैटेगरी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर उसको समझने की हो सकता है, यानी पैटर्न के अनुसार। इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखो पैटर्न के अनुसार तैयारी करोगे बाबू तो आपकी पकड़ रहती है कि ओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है तो आप ससुरी के नाच छोड़ेंगे, दो नंबरिया प्रश्न करता है तो स्टेप से तैयारी करेंगे, पांच नंबरिया प्रश्न करता है तो पांच नंबरिया के टाइप आप एक घंटा टाइम दीजिए, आप पांच नंबरिया क्वेश्चन रेडी करिए, उसका नोट्स बनाइए। बस पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करना है। पैटर्न का मतलब, मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि पैटर्न में कैसा कैसा प्रश्न कर रहा है उसी आधार पर अपना तैयारी करें, उसी के आधार पर एक एक घंटा टाइम बटना शुरू करें और 6-7 महीने आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। और गारंटी के साथ बोलो आप टॉपर बनेंगे, 450 से ज्यादा आपकी नंबर आएगी, नहीं आएगी तो इसी वीडियो में आप कमेंट करके बोलिएगा। तो पैटर्न के अनुसार तैयारी करो, दूसरी बात अपनी राइटिंग सुंदर कर लीजिए। आपको लग रहा है कि इन दोनों तरीके से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला, मतलब आप कुछ सीखे हैं और लग रहा है कि इस तरीके को अप्लाई करके आप टॉपर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को हर उस बच्चे के पास पहुंचे जो इस पर एग्जाम देने वाला है, वो किसी बोर्ड से, झारखंड यूपी से लेकर एमपी से लेकर यूके से लेकर बिहार से लेकर किसी बोर्ड से बिलोंग करता है, सही के पास आप शेयर करिए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे तब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। बस जय हिंद, वंदे मातरम।